अभी हम दिल्ली के उसी एम्स अस्पताल के सामने खड़े हैं जिस अस्पताल में बिहार के और देश के मशहूर लोक गायिका और फोक गायिका शारदा सिन्हा की कल रात को यानी कि 5 नवंबर की रात को लगभग 9:30 बजे देहांत हो गया। अब शारदा सिन्हा के बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी कलाओं से लोगों का दिल जीता है। पहले एम्स जो अस्पताल है उसकी आपको दृश्य को दिखाते हैं और बताते हैं कब से वो यहाँ पर भर्ती थी अस्पताल के अंदर। आप देख लीजिए, सामने आपको दिखाई देगा एम्स और इसके बराबर में आपको ऊपर में दिखाई देगा, देख लीजिए आप, प्राइवेट वार्ड। शारदा सिन्हा को उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद, बिगड़ने के बाद इसी एम्स में 26 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था और उसके बाद बताया जा रहा है कि वे कैंसर की पेशेंट थी, उससे लड़ रही थी लेकिन उनका देहांत हो गया। शारदा सिन्हा को लेकर मैं आपको बता दूं कि शारदा सिन्हा ने अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अंशुमान सिन्हा है और बेटी का नाम वंदना है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पीछे लगभग 30 से 40 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई हैं और वो तो बात की बात है कि किसके बीच क्या बटेगा वो तो बात की बात है, उसमें हमें जाना भी नहीं है। लेकिन उनके बारे में बता दूं कि शारदा सिन्हा को पद्म भूषण और पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया था और फिर मैंने प्यार किया उसके अंदर एक गाना गाया था उन्होंने, उसमें कहे तो सजना मोरे सजनिया, उस गाना को लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी उसके बाद मशहूर भी हुए। उसके बाद उन्होंने सलमान खान की एक मूवी और थी उसमें भी उन्होंने गाना गाया था, हम आपके है कौन के अंदर। तो इसके अलावा वो उस वक्त मशहूर हो गई जब उन्होंने 1978 के आसपास जो छठ गीत को लेकर के उन्होंने गीत गाया था और फिर उनके जितने भी गाने आपको छठ गीत में सुनाई देगा वो मन को मोहने वाला है। और ख़ास करके अब जब छठ का समय आता है तो उनके गाने बजते हैं, वो गाने जो महिला की आवाज़ में होती है, तो उस गाने के अंदर जो आवाज़ है शारदा सिन्हा की है और उसी आवाज़ की वजह से वो पूरे देश और दुनिया में मशहूर हो गई। उसके अलावा उन्होंने अपने गायकी के माध्यम से विवाह गीत में भी अपनी आवाज़ दी है, गायकी विवाह गीत भी गाई हैं। आज भी बिहार के अंदर भोजपुरी और मैथिली के अंदर जो गाने गाए जाते हैं विवाह के दौरान तो शारदा सिन्हा की ही आवाज़ होती है। इसके अलावा जो छठ के मौके पर जितने भी गाने गाए जाते हैं, जो मशहूर गाने हैं, उसके बिना ऐसा माना जाता है कि छठ होता ही नहीं है, छठ पूजा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो आवाज़ है, उस गाने के अंदर आवाज़ जो है वो शारदा सिन्हा की ही आवाज़ है। लेकिन उन्होंने अपने 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल 5 नवंबर की शाम को, शाम नहीं कहेंगे, रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास अपनी अंतिम सांसें दी। उनके जो पुत्र हैं अंशुमान ने अपनी जो वीडियो के माध्यम से बातें रखी कि अब मम्मी नहीं रही, तो ये है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने उन्हें कॉल करके दुख जताया, सांत्वना व्यक्त किया और फिर इसी दिल्ली के एम्स में उनका कल देहांत हो गया। उनके गुजर जाने के बाद जो देश और दुनिया से जो रिएक्शन प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसे देखते हुए सभी नाराज़ हैं, चूँकि 72 साल की उम्र में जाना, हालांकि जाने से पहले उन्होंने बहुत कुछ छोड़ गई है। जिस तरह से लोगों के बीच में आस्था का त्यौहार जो छठ होता है उसके अंदर अपने जो गायकी के माध्यम से अपनी आवाज़ बिखेर गई है, लोग उन्हें उस वक्त तक याद रखेंगे जब तक कि ये दुनिया रहेगी और दुनिया के अंदर छठ पूजा होता रहेगा। आप कुछ कहेंगे भैया? उनका उनका जब तक रहेंगे उनका नाम रहेगा, है ना? हाँ, जब तक रहेंगी वो बिल्कुल जब तक लोग छठ पूजा मनाएंगे या तब तक उनका नाम रहेगा। और छठ पूजा ऐसी पूजा है जो लोग ख़त्म हो जाएंगे लेकिन वो आस्था, वो त्यौहार वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो चलिए, यही मैसेज आप तक पहुंचाना था, बाकी उस पर हम एक क्राइम की कहानी जो हमारा चलता है जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल पर, तो उन पर उनके लिए कहानी लेकर आएंगे जिस पे हम बचपन से लेकर के और 72 साल की उम्र तक उन्होंने क्या कुछ कहा है, कहाँ कैसे पैदाइश हुई है, तो सारी कुछ आपको हम उस कहानी पर के माध्यम से अब तक हम पहुँचाएँगे। लेकिन आपको बता दूँ कि शारदा सिन्हा बिहार के सुपौल ज़िले से आती है, वही सुपौल ज़िले जहाँ से उदित नारायण जी भी आते हैं,
तो सुपौल की धरती ने बड़े बड़े बेटों को जन्म दिया है और आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अभी हम उसी एम्स अस्पताल के सामने खड़े हैं जहां पर कल शारदा सिन्हा की मौत हो गई। हम यहां के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कि वे इस दुख की घटना को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन हम जैसे गुजर रहे थे यहां से, हमने देखा कुछ ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब हैं जो छठ पूजा के गाने सुन रहे थे। अभी हमने देखा कि आप गाने शांत हो गए, आज अभी पता चला हमें उनके गाना हम सुनते हैं छठ पूजा का। अच्छा, हाँ अच्छा लगता, अच्छा आवाज़ है उनकी, अच्छी आवाज़ है। और फिर छठ पूजा करने नहीं गए आप? नहीं गए, टिकट नहीं मिला इस कारण नहीं जा पाए। टिकट नहीं मिला? नहीं मिला इसी कारण जा नहीं पाए। चार महीने पहले कराए थे, बेटिंग पे रुक गया, घर नहीं जा पाए, इसी चक्कर में यहीं रह गए। चार महीने पहले टिकट कटवाए थे, टिकट नहीं मिली, कंफर्म नहीं हुई टिकट, मिली कंफर्म नहीं हो पाया। ओहो, क्या कहाँ से आते हैं आप? बिहार सहरसा से आते हैं। तो जो छठ का गाना जिसने गाया था, जो गायक गायिका थी, उनका देहांत कल हुआ, क्या कहेंगे इस पर? बहुत दुख व्यक्त करता हूँ उसके बारे में। बहुत अच्छा गायक थे, कलाकार थे, उनके पीछे 40 साल से उनके गाना सुन रहे थे हम लोग। 40 साल से गाना सुन रहे थे आप? जी। अच्छा, बहुत प्यारा गाना गाती थी, अच्छा कलाकार, अच्छा कलाकार थी। इसके चक्कर में हम लोग छठ पूजा कैसे मनाएंगे, छठ पूजा का अच्छा अच्छा गाना गाती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे, चूँकि उनके गानों को सुनकर हम छठ पूजा मनाते थे, लेकिन उनका जिस तरह से देहांत हो गया यहाँ पर, तो कैसे मनाएंगे। हालांकि उसने गाना पहले से गा दिया है और आखिरी वक्त में भी उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो के अंदर वो अपने बेड पर जब नाक में ऑक्सीजन लगा था, तो उस वक्त वो गाना गा रही थी। उस वीडियो को हम साइड में लगा देंगे, देख लीजिएगा। बाकी उनके देहांत के बाद काफ़ी लोगों में दुख है और ख़ास करके छठ व्रता और फिर श्रद्धालु ऐसे जो छठ पूजा मनाते हैं, तो उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही दुख है, चूँकि वो ऐसे ही गाने गाती थी और उसके वजह से भी काफ़ी मशहूर थी। बाकी उस घटना को लेकर और फिर हमारे कवरेज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब्बख़ैर।